मोदी सरकार के एक फैसले से कांग्रेस और टीएमसी की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी के इस बड़े फैसले के बाद कांग्रेस और टीएमसी की छटपटाहट साफ दिख रही है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने बीएसएफ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले पर पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आपत्ति जताने लगे हैं। इसके बाद केंद्र और सीमावर्ती क्षेत्र वाले राज्य आमने सामने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध जता चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करके ट्वीट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 50 किलोमीटर के क्षेत्र में बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ, जो संघवाद पर सीधा हमला है। हालांकि चन्नी के विरोध पर अब पंजाब कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए स्वागत किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बीएसएफ की बढ़ी हुई उपस्थिति और शक्तियां ही हमें मजबूत बनाएगी। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसे लेकर सीएम चिन्नी को भी निशाने पर लिया है। उधर राहुल गांधी के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के फैसले पर केंद्र को निशाना बनाया है। वहीं बंगाल से भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी द्वारा इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में बैठे दो खुरापाती दिमाग अब तक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक ब्यूरो जैसी एजेंसियां का गलत इस्तेमाल कर सत्ता चला रहे हैं। अब उन्हें इस लिस्ट में बीएसएफ को भी शामिल कर लिया है। कांग्रेस और टीएमसी के विरोध से साफ है कि मोदी के इस फैसले से विपक्ष तिलमिला गया है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि तीन राज्यों पंजाब, बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर के सभी क्षेत्र शामिल होंगे। पहले पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा से 15 किलोमीटर तक था। नए आदेश का मतलब है कि बीएसएफ व्यापक क्षेत्र में तलाशी ले सकती हैं, गिरफ्तारियां कर सकती हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब अवैध घुसपैठ पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रही है, ये हैरान करने वाली बात है। सवाल है कि क्या कांग्रेस और टीएमसी को उस बीएसएफ के जवान पर भी भरोसा नहीं है जो देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसका जवाब कांग्रेस और टीएमसी को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।